दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी भारत की मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने के बाद अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करता है, जिसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को वो कम या ज़्यादा करके महंगाई से फाइट करता है। तो दोस्तों, ये टूल्स हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम इन्फो अड्डा है, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो बनाएंगे उनकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टूल्स आता है वो आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है और उस वहाँ से फिर वो लोन लेता है। तो अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब 1 वीक के लिए, 15 डेज़ के लिए या फिर 30 डेज़ के लिए, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से वो रेपो रेट के ऊपर ही लोन लेगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर जब कोई बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेता है तो हम उसे रेपो रेट बोलते हैं। इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक को कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जब वो पैसे रिटर्न करता है तो बदले में वो चीज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसको वापस दे देता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, और इसके अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी जा कर के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है। तो दूसरा हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़गी तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? वो फिर बैंकों से पैसा लेता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जिस दर पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों से लोन लेता है तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों से लेता है। इसके अंदर भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तब जा कर के बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देता है। तीसरा जो हमारा आता है दोस्तों, CRR, यानी CRR क्या होता है? CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिज़र्व रेशो। बैंक के पास जितना भी पैसा होता है, यानी बैंक के पास एक दिन के अंदर जितना भी पैसा आता है, उस पैसे में से बैंक को कुछ पैसा निकाल करके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास उसको जमा करा के रखना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड CRR, कैश रिज़र्व रेशो। जो इसकी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है वो रहता है 4%। तो ये पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक क्यों रखता है? ताकि ये जो पैसा रहता है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही कैश के तौर के ऊपर रखा जाता है, ताकि कल को अगर कोई बैंक डूब जाए तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस पैसे से कुछ कस्टमर को यहाँ से कुछ उसका मुआवजा दे सकता है, और फिर बैंक का जो असेट रहता है, बैंक का जो असेट्स रहता है उसको बेच करके फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ उसके नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो जो CRR रहता है हमारा, इससे बैंक को कोई भी इनकम नहीं होती है, यानी ये पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रहता है, जिसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को कोई भी पैसा नहीं देता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। मान लीजिए अगर बैंक के पास 100 रुपये आए तो बैंक को उसमें से 4% रुपीज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराने पड़ेंगे, और उसके पास बचेंगे 96 रुपीज़। तो ये 96 रुपीज़ फिर आगे जाते हैं, फिर देखिए क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है SLR। SLR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब क्या होता है, जो ये 96 रुपीज़ हमारे रह गए, इसमें से भी कुछ पैसा बैंक को अलग से निकाल करके रखना पड़ता है। जो अभी रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास वो चल रहा है, तो 96 में से 21% निकालना पड़ेगा बैंक को, तो यहाँ पे बैंक के पास 75% पैसा बचता है। तो ये जो 21% है, यानी ये जो SLR है, ये बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा नहीं कराना पड़ता, बैंक इसको अपने पास रख सकता है। इस पैसे से बैंक इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब इस पैसे से बैंक को इनकम मिल सकती है। यानी जो CRR होता है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, बट जो ये SLR होता है ये बैंक अपने पास रखता है, और इस पैसे से बैंक को इनकम होती है। तो जो अब मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये आए, 100 रुपये में से बैंक ने 4% CRR रख दिया, फिर
हमारा बैंक ने 21% मान लीजिए SLR रख दिया, तो बैंक के पास कितना पैसा बचा? बैंक के पास 75% पैसे बचते हैं। इन्हीं पैसों को बैंक घुमाता है, इन्हीं पैसों को बैंक दूसरे लोगों को लोन पर देता है, और उधर से ही यही बैंक की मेनली इनकम का साधन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे हैं सारे हैं, ये सब के सब शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ये सारे के सारे, इसके अंदर टूल्स। इसके बाद हमारे पास आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जब कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज लेता है, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर बैंक, कोई भी बैंक बैंक रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है, तो उसको बैंक के पास कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता, कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता है। तो इसका भी अपना अलग फंडा होता है, इसके थ्रू भी महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारे पास एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मैं बार बार यहाँ बोल रहा हूँ कि रेपो रेट के थ्रू अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है, तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो फिर बैंक रेट से लेता है तो उसे गिरवी नहीं रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको यहाँ से पैसा तो मिलेगा नहीं, रेपो रेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करेगा और बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलेगा कि जो आपका SLR कोटा जो आपके पास रखा हुआ है, यानी जिसको जो आपने मेरे पास जमा नहीं कराया है, आप SLR कोटा की कुछ चीज़ों को गिरवी रख के मेरे से पैसा ले सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है बट उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो बैंक SLR कोटा की जो चीज़ें होती हैं उनको गिरवी रख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है। तो दिस इज़ नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो दोस्तों ये हमारे 6 टूल्स थे जिनको जिनकी वैल्यू को बढ़ाया घटा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई से फाइट करता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई से कैसे फाइट करता है, इन टूल्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके। दोस्तों मान लीजिए किसी बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लिया रेपो रेट के थ्रू। वही पैसा अब बैंक क्या करेगा, इस 8% को कस्टमर को दे देगा 12% के ऊपर या फिर 15% के ऊपर, जो भी है जैसा भी है। बीच का जो मार्जिन रहा 4%, यही बैंक की इनकम होती है। इस इनकम से बैंक अपने कर्मचारियों को पेमेंट देगा, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च रहेगा, बहुत कुछ खर्च रहते हैं, तो इस 4% से बैंक चलाएगा। तो मान लीजिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8% से घटा करके 7% कर देता है, 8% से घटा करके रेपो रेट 7% कर देता है, यानी बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है वो सस्ता मिलेगा उसको। तो आगे जाके जो बैंक कस्टमर को देगा वो भी 12 की बजाय 11 कर देगा या फिर 10% कर देगा। तो दोस्तों जब लोन सस्ते होंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लोग लोन लेंगे और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग जमकर खरीदारी करेंगे, बाइंग करेंगे लोग जमकर। और जब लोग खरीदारी करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, जो है प्राइस चीज़ों के अप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महंगाई बढ़ती है। और जब मान लीजिए 8% की बजाय अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 9% के ऊपर रेट ऑफ 9% के ऊपर ब्याज देता है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, तो बैंक अपने कस्टमर को भी यहाँ से 12% की बजाय 13% देगा या फिर 14% के ऊपर देगा। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि बैंक से लोन लेने वाले लोग कम आएंगे, जिसके कारण मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, लोग खरीदारी कम करेंगे तो चीज़ें कम बिकेंगी, यानी चीज़ों की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। चीज़ों को कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो इन्फ्लेशन हमारी नीचे आ जाएगी। दोस्तों अब थोड़ी सी बात बता देते हैं इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से रिलेटेड जो बातें हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी महंगाई जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जो महंगाई जब बहुत कम हो जाती है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन होती हैं ये दोनों ही डिफ्लेशन होती हैं, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कंट्री के लिए। अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो चीज़ों के दाम नहीं बढ़ेंगे तो वो कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, यानी
धीरे धीरे चीज़ों के दाम भी बढ़ने बहुत ही ज़रूरी हैं, तभी जा कर के वो डेवलपमेंट कर पाएगा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाए वो भी ठीक नहीं है, यानी चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जाएँ वो भी ठीक नहीं है और चीज़ों के दाम बहुत कम हो जाएँ वो भी ठीक नहीं है। मतलब चीज़ों के दाम एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहने चाहिए, मतलब कंट्रोल में होने चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ें ना बहुत कम हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से थोड़े थोड़े बढ़ने चाहिए, तो उससे वो सब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दो चीज़ होती हैं जिनसे जिन जिनको यूज़ करके आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। या तो आप चीज़ों की डिमांड को कम, चीज़ों की सप्लाई को कम कर दीजिए। अगर चीज़ों की सप्लाई कम होगी, अगर महंगाई को आपको बढ़ाना है तो क्या होगा, चीज़ों की सप्लाई कम कर दीजिए या फिर लोगों के हाथ के अंदर, या तो आप सप्लाई को कम कर दीजिए या फिर लोगों में मनी जो है, लोगों के पास मनी सप्लाई है वो बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, लोग अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, लोग सप्लाई कम होगी तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड तो उतनी है, और फिर लोगों के हाथ में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे जिससे चीज़ों के दाम हमारे बढ़ेंगे। अगर हम मान लीजिए सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो ख़रीदने वाले तो उतने ही हैं लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई और सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो हमारी चीज़ों के दाम गिर जाएंगे, या फिर लोगों के हाथ में आप मनी सप्लाई को कम कर देंगे तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होगी जिसकी वजह से हमारी महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको यूज़ करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।